पाकिस्तान बासमती चावल के लिए जुग्राफियाई इंडिकेशन टैग जीतने में कामयाब हो गया। राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि पाकिस्तान ने 26 जनवरी 2021 को बासमती चावल के लिए जुग्राफियाई इंडिकेशन टैग हासिल कर लिया है। अब इसके नतीजे में पाकिस्तान बरामदी आमदनी में तकरीबन $1 बिलियन की बचत कर पाएगा, जो कि यूरोपीय यूनियन की जानिब से चावल की बरामद के ज़िम्न में हासिल होता है। सरकारी ट्विटर हैंडल पर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए तिजारत और सरमायाकारी अब्दुलरज़ाक दाऊद ने इस पेशरफ की तस्दीक की। उन्होंने कहा कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि पाकिस्तान ने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट 2020 के तहत बासमती चावल के लिए GI टैग जीत लिया है। इस एक्ट के तहत GI रजिस्ट्री तश्कील दी जाएगी, जिसमें तमाम प्रोडक्ट्स को रजिस्टर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब हमारी प्रोडक्ट का कोई गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना ही अपने नाम से बेच सकता है, लिहाजा इस ज़िमन में अब बैन अल-अक़वामी मार्केट में पाकिस्तान का हिस्सा वाज़े तौर पर महफूज रहेगा। बैन अल-अक़वामी प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान ने ब्रसल्स में कायम बैन अल-अक़वामी कानून के तहत भारत के खिलाफ एक दरख्वास्त दायर की थी। भारत ने 11 सितंबर को यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में GI टैग हासिल करने के लिए एक दरख्वास्त दी थी और ज़रई मसनूआत और बासमती चावल को अपने नाम से बेचने की इजाज़त चाही थी। पाकिस्तान के चावल बरामद कुनिंदगान की जानिब से बताया गया कि इस वक्त हिंदुस्तान की यूरोपीय यूनियन में बासमती चावल का तकरीबन 65% हिस्सा है, जबकि यूरोपीय मार्केट में पाकिस्तान का 35% हिस्सा है। 2020 में पाकिस्तान की चावल की कुल बरामदात $2.2 बिलियन रही, और ये पहला मौका होगा जब पाकिस्तानी कोई प्रोडक्ट ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग के तहत रजिस्टर होकर बेची जाएगी। अब हमारे लिए आलमी मंडियों में अपनी मसनूआत को बेचना और उनकी मार्केटिंग करना मज़ीद आसान हो जाएगा।